दोस्तों इस समय मैं बैठा हूँ मिस्टर पवन के साथ, जो कि बिरला मंदिर के वन ऑफ द इंचार्जेस हैं। ये काफी लंबे वक्त से यहाँ पर है और इनसे हम इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं और अयोध्या के बारे में। सबसे पहले सर जय श्री राम सर आपको। सर सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि आपके मायने और अयोध्या के लोगों के लिए राम क्या है? राम एक भगवान है, देवता है, विष्णु के साथ में अवतार है, या वो एक परम शक्तिशाली और एक प्रतापी राजा है जो लोगों के बारे में सोचते हैं और लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? राम जी के बारे में कि अवतारवाद ये सब ये हमारी अपने धर्म की समस्या है, धर्म की व्याख्या है। लेकिन जो राम का चरित्र है, राम जो जिया है, राम को हम लोगों ने केवल हाथ में सीमित कर दिया अवतारवाद के चलते। अगर अवतारवाद ना रहा होता राम आज विश्व के राजा होते। राम देखिए उस समय एक अयोध्या से निकलते हैं वो, और किस कांसेप्ट लेकर चलते हैं? निश्चय भी बहुत रखती है। जब विश्वामित्र जी और परशुराम जी के साथ जाते हैं तो भी उनका बनगमन सीता जी की विवाह तो बड़ा शो होता है, लेकिन वन में जाना, राक्षस से मिलना, उसी इलाके में जाते हैं जहाँ राक्षस रहते हैं। तो आतंकवाद से पीड़ित उस समय जो हिंदुस्तान आतंकवाद से पीड़ित था, जनक जैसे राजा जी बहुत मानते वो अलग विषय है, लेकिन जनक जी जो भी राजा केवल बैठ के ध्यान योग में लग जाएगा वो राजा नहीं रह जाता है। राजा का काम होता है प्रजा के साथ खड़े रहना, लेकिन वो ध्यान योग में और शास्त्रों में लग जाएगा। एक अच्छा काम है, लेकिन राजा का लगना दयनीय होता है, वो राजा जनक उसको धारण। तो राम जी जो है ये सबसे नहीं कि भगवान से नहीं, इससे तो मतलब मेरा केवल हिंदुस्तान के हिंदुस्तान का होता है जैसा राजा तो दूसरा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान के लिए कोई अगर किसी ने अच्छा सोचा है, हिंदुस्तान को मान समाज को अच्छा करने की बात सोचिए, तो राजा राम की, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और इसलिए हम लोग हर जन्मास के लिए राजा के बसते हैं, राम के बसते हैं, और जिसके मन में और जाता है वो परमात्मा मान लेता है। थैंक यू सर इस बात को क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि त्रेता युग की अयोध्या में या प्राचीन काल की अयोध्या में और अभी की जो करेंट जो अयोध्या जो इसका सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, उन दोनों में क्या भेद है? देखिए त्रेता युग की अयोध्या की बात करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान सरजू नदी के बात पहुँचता है। वही नदी ऐसी है जो राम के पूर्वजों के साथ भी थी, राम के साथ भी, और मनुष्य कृपा से उदय होता है अयोध्या का, और नैमिषारण्य से बहुत सी कठिनाई होती भी है। लेकिन अगर कोई एक राजा का है जिसमें 40-50 पीढ़ियाँ हुई हैं, लेकिन साथ सबने अच्छे काम किए, सबने देश के लिए काम किया, सबने जैसे भागीरथ गंगा लाया अयोध्या के गंगा में, लेकिन उनका जो गंगा से अयोध्या को कट है, एक अयोध्या कॉन्सेप्ट अगर आए तो गंगा निकलती है बाहर, अयोध्या में सरजू बहुत विशाल नदी है, उसे गंगा से माँ से बड़ी नदी है, लेकिन अयोध्यावासी केवल अयोध्या के बारे में सोचते थे, सारे राष्ट्र के बारे में सोचते थे, सारी दुनिया के बारे में सोचते थे, इसलिए गंगा लाई गई बाहर बाहर निकाल के देश में सबको अच्छा जल मिले। और जैसे कि उस समय ये आपका बनारस और अयोध्या का थोड़ा विवाद मिलता है शास्त्रों में, लेकिन वहाँ भी गंगा बहुत बड़े कांसेप्ट, बहुत बड़ी सोच के लोग अध्याय थे, राम के परिवार और अध्याय से मतलब था, सारे हिंदुस्तान से मतलब था, सारी दुनिया से मतलब था, सारे वसुदेव कुटुंबकम की विचार तभी से मेरे राज्य में परिचय राम के परिवार से। अब शायद यही वजह है कि सूर्यवंश को आज पूरे विश्व में सबको, हाँ सूर्यवंश, सूर्यवंश बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़े काम किए उन्होंने, सारे काम है हमारे धर्मशास्त्रों में अगर एक विधि बना दी जाए लिखा जाए तो वो उसी परिवार का ही सब, तो हमको नजर आ गया शायद परिवारवाद को नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, भगवान की चरण प्रणाम कर रहे हैं। तो सर जो करंट अभी जो सिनेरियो है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या अयोध्या का यार अयोध्या में बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे मैं टूरिज्म से जुड़ा हूँ, पहली समस्या तो एक छोटा बच्चा है, हम राम के नाम पे सब कुछ करें, राम के लोग बाहर यहाँ अयोध्या आना शुरू हुए, हमने रहने की व्यवस्थाएं कौन ली? आता है आदमी रात में जब पूछता है हमसे, भाई बच्चे साथ में होते हैं, उनकी पकड़े खड़े होते हैं, या कमरा तो मेरे पास कमरे भर जाते हैं,
और उनको जाने के लिए मैं कहीं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कम से कम 200-250 आदमी तो मिलेगी बड़े बस वालों से, ये सबसे पहला होता है कि आज की जरूरत है। चलिए सर, ये तो एक चीज़ है जो जल्दी से ही शॉर्ट आउट हो जाएगी, और जो भी युवा इसको देख रहे हैं वो भी इससे प्रेरित होंगे और वो भी इससे एक सीख लेंगे, और मे भी आगे चलकर मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद से कुछ ऐसे युवा होंगे जो अपना स्टैंड लेंगे और एनजीओस की शुरुआत कर सकते हैं अयोध्या में, अयोध्या के बेनिफिट के लिए। लास्ट क्वेश्चन सर यही है मेरा कि राम के चरित्र से और राम का जो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देखते हैं पौराणों में, टीवी सीरियल्स में या फिर कहानियों में, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, एक युवा क्या सीख सकता है उनके संघर्षों से, उनके तप से, उनके प्रयासों से। बिल्कुल, राम जी ने राष्ट्र प्रेम के सिवा कोई काम नहीं किया। उनके मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन गलत काम की व्याख्या करने लगूँ तो जैसे उसका छुपे मार देना बालिक हो, सीता जी को परीक्षा लेने वाले बाहर कर देना, लक्ष्मण जी उनके साथ रहते हैं उसको मृत्युदंड दे देना, ऐसे बहुत से कामों की श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र प्रेम से कहीं संघर्ष नहीं किया। हर आदमी को प्रेम उसलिए क्या कि वो राष्ट्र का प्रेम है। जैसे कि केकर के भाई जब राम को बर्बाद हुआ, सेनापति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए तो राम केकई का भाई उसको भी अंत में ये बात करके कि तुम जहाँ के हो वहाँ चले जाओ लेकिन वहाँ भारत के पक्ष में खड़े रहोगे तो वहाँ के राजा बना बना राजा से आपको निष्कासित किया कि अगर आप कई रामन पर यानी कि ताकत का कांसेप्ट था। अब जैसे कि लक्ष्मण को तो अपने बेटे को अयोध्या को शांत के लिए गए हुए राम की वजह से, कहाँ भेजा उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान लाहौर, क्या एक लाहौर एक बॉर्डर है, लाहौर आज भी हिंदू भक्तों का घर है और अयोध्या में उसमें युवती का घर था। तो राम की कॉन्सेप्ट अपने बेटों को जगह लगाना, आपने जो भी है आदमी उसको सही जगह बताया, सारी दुनिया के हैं उसके बाद एक हिंदू धर्म के नहीं है हिंदुस्तान के। जी की बात है कि हमारे संविधान में भी राम राजिका की सिख है, हमारे प्रियंकल में राम राजिका ही सिख है, और यही नतीजा कि आज राम राज्य की सबकी व्याख्या देते हैं, सबकी उसी में होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा राम के बारे में बात करते हुए, और राम जी सब रामायण की दुनिया जी की बात है, राजा हम लोग राजा राम की बात कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी आगे हम लोग ये जानकारी ज़रूर आपको बताएंगे कि अयोध्या का असली राजा कौन है। तो बने रहिए, आगे मिलते हैं।